हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी आंटी आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। बच्चों, आज मेरी कहानी का नाम है जू और खटमल। क्या नाम है? जू और खटमल। एक समय की ना बात होती है, एक राजा होता है जिसका महल बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार होता है। तो जहाँ वो सोता है ना, उसके सोने के कमरे में ना बहुत सुंदर सुंदर रूप से सजाया गया होता है उसको। और उसके पलंग पे बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से, नरम नरम से गद्दे बिछाए होते हैं, और बड़ी अच्छी मखमली प्लेन प्लेन बड़ी सुंदर सुंदर सॉफ्ट सॉफ्ट ना चादरें बिछाई होती हैं। तो उसके गद्दे और चादर के बीच में क्या होता है, जू होती है ना, वो अपने परिवार के साथ रहती है। मतलब कि जू, उसके घर वाला, उसके बच्चे, उसके पोते पोतियाँ, आगे बहुत बड़े परिवार के साथ छोटी छोटी जुएं होती हैं, उसके साथ रहती होती है नीचे गद्दे और चादर के बीच में। एक दिन जब राजा रात को ना गहरी नींद में सो जाता है खा पी के, तो उसका जो जितने भी जुएं होती हैं, सारा उसका जो परिवार होता है वो ना सारा उसके खून चूसने लग जाते हैं। राजा के सिर पे चले आते हैं, उसके शरीर पे घूमने लगते हैं। राजा को तो पता लगता है क्योंकि जू तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है ना। बहुत लंबे से ऐसे ही काम चल रहा था, वो पता ही नहीं चल रहा था। तो एक दिन ना कहीं खटमल से ना राजा के कमरे में आ गया। तो वो कहता है, देखता है कि राजा को तो बिस्तर बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सॉफ्ट है। वो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है, खटमल जो होता है ना। तो ना वो सोचता है, हाय कितना अच्छा बिस्तर है, यहाँ तो रहने में बड़ा मज़ा आता होएगा, है यहाँ तो राजा का खून भी बड़ा मीठा मीठा होएगा, अच्छा अच्छा होएगा। ऐसे वो बातें कर रहा होता है, तो ऐसे ना उसको एकदम से जू बाहर निकल के आती है। वो देखती है कौन बड़बड़ा रहा है, वो तो देखती है खटमल है। वो कहती है, ए खटमल, तू यहाँ पे कौन क्यों आया है, क्या करने आया हो राजा के, चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। वो कहता है, ये क्या है, ये कौन आ गया, ये जू कहाँ से आ गई। वो देख कहती है, हम रहते हैं यहाँ पे, तुम कहाँ से आ गए। राजा के पतलंग पे तो सिर्फ हमारा राजा है, हम इतने साल इतने देर से यहाँ रह रहे हैं, तू जा तू जा। जो खटमल होता है उसका तो मन कर रहा होता है वहां रहने को। वो सोचता है, कहता है, बहन जो बहन, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, मैं तो एक यात्री हूँ, मैं तो रोज रोज कहीं कहीं रात बिताता हूँ, कहीं किसी के घर रात बिताता हूँ। आज तो मुझे राजा के महल में रहने का मौका मिला है, मुझे यहाँ एक दिन रात की तो बात है, रहने देना प्लीज मेरी बहन, रहने देना। तो ना जू को तरस आ जाता है, वो सोचती है, चल कोई बात नहीं, एक रात के लिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक। वो कहती, चल रह तो जा, लेकिन शोर मत मचाना, जब मैं तुझे बोलूँ तब तुम बाहर निकलना। कहते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही होएगा, ऐसा ही होएगा, ठीक है। तो ना वो ऐसे कह के उसके साथ रहने लग जाता है। तो रात को ना फिर वो कहती है, उसको समझाती है खटमल को, जू कहती, राजा आता है, खाना खाता है, फिर वो शराब पीता है, फिर थोड़ी देर वो घूमता टहलता है, फिर वो चाहे जाके गहरी नींद में सोता है। जब वो गहरी नींद में सोएगा तब तू उसका खून चूसना, ठीक है, पहले जल्दबाजी मत करना। वो कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे करके ना जहाँ जूए अपने परिवार के साथ गद्दे और चादर के बीच छुपा होता है, वहां पे खटमल भी छुप जाता है। तू ना वहां बार बार झांक झांक के देखी है, तो उसे रहा नहीं जाता। उसको कहते हैं, राजा का खून तो बड़ा मीठा होगा, इतने इतने स्वादिष्ट पकवान खाता है, अच्छा खाना खाता है, ऐसे ऐसे सोचता होता है। मैं तो इसका खून पीऊंगा, मैंने तो इतने लोगों का अलग अलग खून पिया है, आज मैं राजा का पीऊंगा, मेरे को बड़ा मन कर रहा है। वो बड़ा उतावला से दिखने लग जाता है। जब ना राजा जैसे ही सोता है ना, वो उसको कहती है, जू रुक जा, अभी अभी राजा गहरी नींद में नहीं सोया, जब हम जाते हैं तेरे को साथ ले जाएंगे। अच्छा, उसको तो ऐसे कह रहा था, चुपके से बाहर निकल के ना राजा के पैर पे डंक मारता है। राजा एकदम से ऐसे करता है, कौन ऐसे कर देता है, फिर नीचे छुप जाता है, फिर जाता है, फिर डंक मारता है, फिर ऐसे राजा देखता है कौन है, फिर वो ऐसे ऐसे पैर लगा के फेस हो जाता है, तीसरी बार फिर डंक मारता है, ठीक है। राजा एकदम से चिल्लाता है, कौन है, इतना मच्छर आ गए, ये आ गए, खटमल आ गए कहीं से। तो अपने सेवकों को बुलाता है, कहता है, जल्दी से सारा रूम झाड़ो, बिस्तर झाड़ो, इसमें से खटमल आए हुए हैं, खटमल आए हुए हैं। तो इसके तीन चार सेवक आते हैं, वो जल्दी से चद्दर उठाते हैं, चद्दर को उठाते ही देखते हैं इतनी सारी जुएं और खटमल, उन सारे धड़ाम 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 सेवक होते हैं, सबको मार देते हैं। तो उस सारी जुओं का और खटमल का खेल खत्म हो जाता है, सब रह जाता मर जाते हैं। तो बच्चों, आपको एक कहानी की सीख समझ आई बेटा। इस कहानी, ये तो एक ऐसे काल्पनिक बनाई होती है कहानी बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है।
पर इसका असली अर्थ क्या होता है कि कोई भी अनजान अगर आपके घर में आ जाए, अगर आपसे कहे कि मैं आपको जानता हूँ, आपके घर रहता हूँ, आपकी जरूरत है, आपको बहाना बना के आपके घर में प्रवेश कर जाए, तो आपका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए जो कहानियां होती है ना, इसलिए थोड़ी काल्पनिक बना के, मजेदार बना के बच्चों को समझाने के लिए होती हैं। ठीक है बच्चों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ छोटी सी जो घंटी है ना उसको तो जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी अगली कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय बच्चों।